गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता, यानी क्या पढ़ेंगे? वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी। जो अभी तक अपन ने क्या जाना था, आज जानेंगे वैदिक साहित्य क्या होता है, वैदिक साहित्य का आशय क्या जानेंगे आज। अब वैदिक साहित्य का क्या जानेंगे आज? वैदिक साहित्य का आश्रय मीन्स होता है इसका मीनिंग, इसका क्या अर्थ होता है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है, मतलब कहने का मतलब है वैदिक साहित्य क्या होता है। एक प्राचीन भारतीय इतिहास में कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन यानी वैदिक साहित्य का आश्रय होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में आर्यों के उदय के साथ साथ वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है। किसका वो था? वैदिक सभ्यता। क्या आर्यों के समान कहा है कि आर्यों के समय, मतलब यहाँ बताया है कि इसमें आर्यों के समय, आर्यों के प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव के समय, प्रादुर्भाव के समय किसका उदय हुआ था? वैदिक। किसका? वैदिक, वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है। क्या था? वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था। आने था किसका हुआ था? प्रादुर्भाव, सभ्यता का विकास हुआ था। यह सभ्यता लगातार विकास, यानी यह क्या होता है, यह सभ्यता लगातार विकास करती रही, विकास होना डेवलपमेंट करे, और परम पावन गंगा, यानी परम पावन गंगा, गंगा के समान भारत की अन्य सभ्यताओं को आत्मसात करती रही। मतलब बताया, इसमें फिर से रिपीट करूंगी, यानी यह सभ्यता लगातार क्या विकास करती रही, और विकास करती रही, और परम पावन गंगा, गंगा के समान भारत की अन्य भाषाओं को आत्मसात क्या करती है, भारत की अन्य सभ्यताओं को आत्मसात करती रही। क्योंकि इसमें होता है कि वैदिक काल में हमने क्या, जैसे कि हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि इसकी शुरुआत वैदिक काल से शुरू हुई थी, और आधा के तीनों जो हमारे वेद थे उनका उत्तर वैदिक काल। ठीक इसी का तरीके से इसमें वैदिक साहित्य में क्या होता है, वैदिक काल को तीन भाग, किसके वैदिक काल को हमने कितने भाग में बांटा? तीन काल में। तीन भागों में बांटा। सबसे पहला क्या था इसका? ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा हमारा वेद क्या था? दूसरे वेद का नाम था उत्तर वैदिक। पहला वेद का नाम था हमारा ऋग्वेद काल, दूसरे वेद का नाम था उत्तर वैदिक काल, तीसरे वेद का काल का नाम था हमारा महा महाकाव्य काल। इसका आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है स्टूडेंट, जैसा कि आपको आ जाए कि वैदिक काल को कितने भागों में, वो तो हमने जाना कि हमारे प्राचीन वेद कितने होते, चार होते, लेकिन उसमें हमने जाना ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, मतलब हमारे हमारे साहित्य में चार वेद थे वो पुराणों का। यदि आप होता ऋग्वेद को कितने भाग, कई तरीके के हमारे कितने वेद होते, ठीक इसी तरीके से होता है वैदिक काल को भी तीन भाग। जैसे ऋग्वेद में क्या था, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक हमें ऋग्वेद का कहा था, क्योंकि ऋग्वेद को कई भागों में, यानी इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में वेदों को कई भागों में बांटा था। इसके कौन कौन से वेद होते थे? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक इसी तरीके से वैदिक काल को भी तीन भागों में बांटा। तीन भाग ऐसे कौन कौन से? ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल और महाभारत, यानी ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल। अब हम जानेंगे वैदिक काल की तिथि, मतलब इसकी तिथि किस डेट से शुरुआत। अब जानेंगे अपन क्या वैदिक काल की तिथि, वैदिक काल की तिथि क्या थी? वैदिक काल विशस्त्र काल था। कैसा था? विशस्त्र फैला काल था, क्योंकि इसमें ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक, इसकी तिथि
6000 ईसा पूर्व निर्धारण है बाल गंगाधर आनंद ने वैदिकाल विशेषता, क्योंकि इसमें ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर वैदिकाल का क्षेत्र विशेषता, ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने इसकी तिथि 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की, कितनी की थी 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की, क्योंकि इसमें